este ángel amado que afronta el amado combustible a un parede hay un amor chocado se estará ahí आपने बहुत से सुना है जिनके पास अगलाप में वो निकाले पर आपने इंगेज रहना आपने तवज्जो से सुना है जितना ज्यादा आप तवज्जो से सुनेंगे उतनी ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी हम 14 आयत से पढ़ेंगे 17 आयत तक खुदा के कलाम को और इसमें कहा गया है ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे और उन्हीं दिनों पत्रस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा ए भाइयों उस नविष्टा का पूरा होना जरूर था जो रूल कुछ ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस हिम्मत का हिस्सा पाया आमीन बैठिए आज का जो हमारा सेशन है ये इख्तितामी है और पिछले 4 दिनों के अंदर खुदा ने बड़ा काम किया है अपनी कुदरत को जाहिर किया कलाम के जरिया से वर्शिप के जरिया से दुआओं के जरिया से और आज हमारा जो कंक्लूडिंग डे है आखिरी दिन है इस कैंप का इसमें हमारी तवक्को है कि खुदा आज भी अजीम काम करेगा लोगों से फर्क नहीं पड़ता आपकी कमिटमेंट से फर्क पड़ता है आपने खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो से बड़े गौर से सुनना है और कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान से खुदा काम करता है वो काम जो हमारे पैसे से नहीं हो सकते हमारे ईमान से वो काम होते हैं याएल के बारे में पहले दिन आप सुन रहे थे और उसके वाक्य के अंदर एक वाक्य है औरत का जिसे 12 वर्ष से खून जारी था और ग्राम के अंदर लिखा वो अपना सब कुछ खर्च कर चुका उसने हर एक तरीका अपनाया होगा डॉक्टर्स और उसने जो स्पेशलिस्ट हैं फिजिशियंस अपने वक्त के उनके पास गई होगी और वो बड़ी अमीर औरत होगी और उसका पैसा उसकी बीमारी का हल निकाल ना पाया लेकिन उसने यीशु के बारे में सुना होगा शिफा पाऊंगी और जिस जगह पर उसका पैसा नहीं पहुंच सका उसका ईमान पहुंच गया और आज बड़ी खास बात हम करना चाहते हैं आज से तकरीबन 200-300 साल पहले यूरोप के अंदर एक मिशनरियों का ग्रुप था जिसे दुआ की तहरीक खुदा ने दी एक खास इलाके के अंदर और उस इलाके के अंदर जब वो दुआ कर रहे थे तो ऑपोजिशन जो थी वो स्ट्रांग हो गई मुखालफत उस इलाके के अंदर जोरदार हो गई मिशनरियों की या मिशनरियों की मुखालफत हुई तो उस इलाके के अंदर से फैसला किया गया कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको निकाल दिया जाएगा और क्या हुआ एक एक फैसला किया गया हुक्मरानों की तरफ से और कहा गया कि जितने भी मिशनरी हैं दुआ करने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाए इस इलाके से बाहर कर दिया जाए और हिस्ट्री यूं कहती है कि उन्होंने उनको अपने इलाके से बाहर निकाल दिया याद रखें जहां पर
दुआएं ज्यादा होती हैं वहां पर मकबूलियत कम होती है। याद रखें, जहां पर दुआओं का काम ज्यादा जोर से होता है वहां पर ऑपोजिशन काम करती है, वहां पर अबलीस उसकी बदरूहें जोर से काम करती है, मुखालफत करती है, हमारे खिलाफ उठ खड़ी होती है। और क्या हुआ, मिश्रियों ने एक जमात की सूरत में अपने हाथ बढ़ाए उस इलाके की तरफ और कहा कि खुदावंद ये इलाका तेरा है, इस जगह पर अंजीर, इस जगह पर क्या हो, अंजीर वापस आए। और तकरीबन 100 साल के बाद वो इलाका जिसे सील कर दिया गया था, अंजीर को मना कर दिया गया था सुनाने के लिए, उस इलाके के अंदर 100 साल के बाद अंजीर को फिर से वेलकम किया गया। हर वो दुआ जो खुदा के मकसद के तहत होती है उसका खुदा जवाब देता है, खुदा उसे पूरा करता है, खुदा उस दुआ को सुनता है और फिर उसके लिए हालात तैयार करता है, लोग तैयार करता है। एक प्रोसेस है जिसमें से खुदा ईमानदारों को गुजारता है और उन्हें वापस उसी जगह पर भेजने के लिए तैयार करता है जहां से ईमानदारों को निकाला जाता है। और आज पैसेज है जहां से हमने कलाम पढ़ा है, आज जो बात हम करना चाहते हैं वो ये है, बतौर कलीसिया दुआया तर्ज अमल को काश्त करना, बतौर कलीसिया दुआया तर्ज अमल को काश्त करना। मेरे साथ मिलकर बोले, बतौर कलीसिया दुआया तर्ज अमल को काश्त करना। और यहां पर 4 लफ्ज है बड़े खास जो इस हमारे टॉपिक के अंदर, पहला लफ्ज है चीजों को कल्टीवेट करना, काश्त करना, दूसरा लफ्ज है कल्चर, तीसरा लफ्ज है प्रेयर दुआ, और चौथा लफ्ज है चर्च कलीसिया ईमानदार मसीह का बदन, मसीह की दुल्हन जिन्हें मसीह यीशु के खून से धो दिया गया है। पहला लफ्ज है कल्टीवेशन, कल्टीवेट करना, काश्त करना। ये लफ्ज हमने किसानों की के किसानों से उधार लिया है। और जब हम काश्त की बात करते हैं फिर हमारा रुक जाता है, काश्तकारी किसानों का काम है। और पुराने पहले वक्तों के अंदर किसान अपने हाथों से काम करते थे, फिर जमाना जैसे वैसे वक्त के साथ मॉडर्नाइज होता गया, फिर शायद बैल आ गए होंगे, उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी, उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी। आज जो काम पहले इंसान करते थे मौजूदा जो हमारा जमाना है इसके अंदर जो ट्रैक्टर है वो काम करते कष्ट का। और उसमें करना क्या होता है, उसमें जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसको उन्होंने नर्म करना होता है, उन्हें तैयार करना होता है उस जमीन को, किसके लिए, बीज फेंकने के लिए। जब हल चलाया जाता है तो जो सख्त उसके अंदर होती हैं चीजें, जमीन सख्त हो चुकी होती है, वो सारी चीजें भुरभुरी हो जाती है, नर्म हो जाती है। और जब वो नर्म हो जाती हैं फिर उन्हें बीज के लिए तैयार किया जाता है, फिर उनके अंदर कितारें बनाई जाती हैं ट्रैक्टर के जरिया से। और जब उसके अंदर कितारें बना ली जाती हैं तो किसान उसके अंदर बीज फेंकता है, क्या फेंकता है, बीज फेंकता है। दुआ की जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन की, इसका मतलब है प्रेयर इज अ डिफिकल्ट टास्क, दुआ आसान काम नहीं है, दुआ के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है, दुआ के लिए पसीने की जरूरत होती है, दुआ के लिए ताकत की जरूरत होती है, और सबसे बढ़कर दुआ के लिए ऑपोजिशन मुखालफत को रेसिस्ट करने की ताकत की जरूरत होती है। अबलीस आपको हमेशा दुआया जिंदगी से खाली रखेगा, जब जब अबलीस आपकी दुआया जिंदगी पर अटैक करेगा, अगर उसका अटैक कामयाब हो गया तो जब फसल काट ली जाती है आपको पता है जमीन का हाल क्या होता है, जमीन का
का जो हाल होता है उसमें क्रॉस होता है, बेतरतीब होती है, बूझे होते हैं, जो फसल काट ली गई होती है उसकी सिर्फ जड़ होती है और वह ऊपर सिर्फ भूसा होता है, गंदगी होती है और कुछ नहीं होता। जानवरों के पांव होते हैं, काटने वालों के पांव के नक्शे होते हैं और उसमें कुछ बाकी नहीं होता। तो फिर हमें इस माहौल को कल्टीवेट करने के लिए कमिटमेंट चाहिए, परसिस्टेंसी चाहिए, हमें लगन से, दिल से और सावधानी से काम करना पड़ता है। फिर जाकर किसान इस लायक बनता है कि वो अपने खेत के अंदर बीज बो सके। ये मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं है। अब्लीस आपको दुआ नहीं करने देगा। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, हम उस जमीन की मालिक तैयार नहीं होंगे जो बीज को अपने अंदर रख सके। किसान कमिटमेंट के साथ काम करता है, पूरी ईमानदारी से, ध्यानदारी से काम करता है, फिर जाके माहौल बनता है। दूसरी बात है कल्चर। कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्काफ्ट किसे कहते हैं, तर्से अमल कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं। और दूसरी बात है प्रेयर। प्रेयर दुआ, दुआ एक मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। ये बना हुआ खाना खा लेने से मुश्किल है। क्यों? क्योंकि खाना बनाने के अंदर जो सारा प्रोसेस होता है, दुआ उसी तरह से होता है। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फिर उन्हें काटना, उनकी सफाई करना, उन्हें इस लाइक बनाना कि वो पकाने के क्या हो, लाइक हो। दुआ एक मुश्किल काम है। और चर्च, चौथा लफ्ज कौन सा है, चर्च, कलीसिया। कलीसिया जब हम लफ्ज कलीसिया इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कहते हैं ऐसे लोग जो तारीकी से निकल आए हैं और रोशनी में चलते हैं, ऐसे लोग जिन्हें मसीह यीशु के खून से ना सिर्फ खरीदा गया है बल्कि उन्हें दो दिया गया है, मसीह के खून से। और आप वो मसीह के बदन का हिस्सा है और वो मसीह यीशु की मानिंद मान रहे हैं, इसको कलीसिया कहते हैं। और जब ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहना ये चाहते हैं कि बतौर कलीसिया हमें दुआया मजमों की तामीर करने की जरूरत है, अपने खानदान के अंदर, अपने चर्च के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर, आपकी आपके आपकी फैमिली के अंदर हमें अब दुआया मजमों की जरूरत है। क्योंकि हम जिस वक्त में रह रहे हैं उसी की आमद करीब है और अभी जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है वो बड़े जोर से काम कर रही है। मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमारे बच्चे जो हमसे, जिन्हें हमसे सीखना चाहिए वो मोबाइल से सीख रहे हैं। मोबाइल सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, एक्सपीरियंस नहीं देता। एक्सपीरियंस जिंदा लोगों से आता है, मुर्दा चीजों से तजर्बा नहीं आता। और एंटी क्राइस्ट इस डिवाइस को अपने पर्पस के लिए बड़े जोर से इस्तेमाल कर रहा है। यही वो डिवाइस है जिस पर नौजवान गंदी फिल्में देखते हैं, यही वो डिवाइस है जिस पर पॉर्न की एडिक्शन होती है, यही वो डिवाइस है जहां पर बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, यही वो डिवाइस है जिसके जरिए से आज जमाने के अंदर लोगों को अब्लीस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई बहन ने मुझे बताया कि एंटी क्राइस्ट एक वक्त के लिए हुकूमत करेगा। तो इसके लिए हमें दुआया लोगों की जरूरत है। जितने इतवार की इबादत में लोग होते हैं उतने लोग हर इबादत के अंदर चाहिए। हमें फिर रिवाइवल आएगा, फिर जिंदगियां बदलेगी, फिर खुदा काम करेगा, फिर खुदा के रूह का जो मूव है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, फिर पाखरू की जो चुपश है वो मसीह यीशु के कलाम के जरिए से तखलीकी काम करेगी, फिर मौजदा
विचारों को इतने सरदार के सुने पसंद आ जाए और ऐसा होगा। ये चर्च था इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, जिसने अपने हाथ बढ़ाए और कहा खुदावन ये इलाका दे रहा है, अंजील इस जगह पर वापस आए और 100 साल के बाद ठीक अंजील वहां पर वापस चली गई। हमें मौजूद से बढ़कर दुआओं की जरूरत है, पर्सनल शख्सी और कॉपरेटिव प्रेयर्स। एक खादम की कहानी मुझे याद आती है, सिर्फ हमें यहां पर वो लोग नहीं चाहिए जो तंदुरुस्त हो, हमें वो बहने भी चाहिए जिनके बच्चे पैदा होने वाले हो, ताकि हम उन बच्चों के लिए दुआ कर सके, उनके लिए हम शिफायत कर सके, उनके मुस्तकबिल को खुदा की हजूरी में हम रख सके। एक खादम अपनी किताब के अंदर लिखता है, कहता है जब मैं पैदा होने वाला था, हर रोज मेरी माँ और मेरी नानी मेरी माँ के रहम पर हाथ रखकर मेरे लिए दुआ करती थी, हर रोज हर रोज हर रोज वो मेरे लिए दुआ करती, गीत गाती, हम लोग सिताइश करती और मेरी माँ और मेरी नानी मेरे मुस्तकबिल पर कलाम बोलती और कहती खुदा। और जब ये पैदा हो गया तो इसकी माँ ये अपनी किताब के अंदर अपनी माँ की बात लिखता, कहता जब मैं पैदा हुआ नर्स और डॉक्टर जब वार्ड से बाहर गए, मेरी माँ ने मेरे ऊपर हाथ रखा और कहा खुदावन इस बच्चे को इस दुनिया से ले जा, अगर तू नहीं ले जा सकता इसे एक बहुत बड़ा खादिम बना देना। और लियोनार्ड रेवेंट हिल्स ने अमेरिका और इंग्लैंड की गलियों के अंदर एक बेदारी और रिवाइवल और अपने वक्त का संचय किया। अजीम खादिम हुआ है, उसने इसकी एक किताब पढ़ी और उसने कहा मुझे आज तक किसी किताब में इतना नहीं तब्दील किया जितना लियोनार्ड रेवेंट हिल की किताब ने मुझे तब्दील किया। आज दुआ की जरूरत है, we need a altars of prayer, we need prayer, हमें दुआओं की जरूरत है। Devil will fight the hardest fight on prayer. जैसबल ने क्या किया, ऐसबल ने दुआएं मजबों को हटाकर बाल के मंदिरों को खड़ा कर दिया। ऐसबल ने क्या किया, जहां पर बाइबल की स्टडी देनी चाहिए वहां पर उसने अपने खुदाओं के कलाम को मुतारिफ कराया और मस्बे डाल दिए गए, कोऑपरेटिव प्रेयर्स जाती रही है। जब इसराइल में से कोऑपरेटिव प्रेयर्स चले गए, दिखलाए आ गया, स्कूत आ गया, बुत प्रस्ती आ गई और खुदा नाराज हो गया, खुदा का गजब बढ़ा और खुदा ने एलिया को खड़ा किया और कहा कलाम दिया और उसने बाल के पुजारियों से फिर मुकाबला किया, उसने कहा अगर बाल खुदा है तो आज पता चल जाएगा, अगर यहोवा ही खुदा है आज पता चल जाएगा, अगर जो खुदा आसमान से आग नाजिल करके जवाब देगा वही खुदा होगा। और बाल के मारने वालों का ये अकीदा था कि बाल आग नाजिल करता है। एलिया ने कहा पहली बारी तुम्हारी है ताकि तुम कहो ना, पहली बारी तेरी, Devil it's your turn, अब इस पहली बारी तेरी है। और उन्होंने मस्जिद बनाए, कुर्बान का बनाई, सारा दिन अपने आप को जख्मी करते रहे और कुछ नहीं हुआ। मस्जिद दुआएं अपने आप को जख्मी करने का नाम है। दुनिया के मुजाहिद दुआ कर रहे थे, यूना की कश्ती के अंदर तूफान बढ़ रहा था, चीजें जाहिर हो रही थी, नुकसान हो रहा था। आज भी खानदानों के अंदर मायूसी है, इसकी वजह है खानदानी मस्जिदें तामीर नहीं किए गए। आप जिस मर्जी से पूछे वो कहेगा खुदावंत का शुक्र है, लेकिन फिर खुदावंत के शुक्र के साथ
खुदा का मुकाशवा कहां पर है, खुदा की जात की समझ कहां पर है, पहचान कहां पर है। We need prayers more than miracles. हमें मौजदात से बढ़कर दुआओं की जरूरत है। यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे दी शागिर्दों को, लैंड क्रोज में दे दी, उसने कारें दे दी शागिर्दों को, उसने बुढ़ापे दे दिए, जाओ हुकूमत करो। नहीं 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 नहीं, मसीह ने उन्हें कुछ नहीं दिया, मसीह ने उन्हें दुआरिया पस कर दिया, अपर रूम दिया। Your money can heal natural need. Your prayer will meet your supernatural need. आपका पैसा आपकी जिस्मानी जरूरतें पूरी करेगा, दुआ आपकी रूहानी जरूरतों को पूरा करेगा। Operative prayers. यीशु से कहा गया हमें दुआ करना सिखा। यीशु ने कहा ऐ हमारे बाप मेरे बाप नहीं, हमारे बाप। कम्युनिटी की बात है, चर्च की बात है, लोगों की बात है, इसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे उम्र का कोई भी हिस्सा हो, बच्चे जो पैदा नहीं हुए, जो अभी मां के रहम के अंदर है, उनसे भी एड्रेस है। We need such people to cry on their knees. ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने घुटनों पर आए और आंसू बहाए, अपने देना बहाए, अपनी कौम के लिए बहाए। आप इतने रूहानी को छोड़ हो कि आपको अपने लिए आंसू ना बहाने पड़े। मसीह ने कभी भी अपने लिए आंसू नहीं बहाए। मसीह यरूशलेम के करीब था, उसने यरूशलेम की हालत को देखा, मसीह के आंसू निकल आए। वो लाजर की कब्र पर जा रहा था, मसीह मार्था और मरियम की जरूरत को देखकर रो पड़ा। आमीन। वी नीड प्रेयर्स, कोऑपरेटिव प्रेयर्स। अमार की किताब जो हमारा टेक्स्ट है, फॉलोइंग थ्रू आउट, इसमें आपको ईमानदार दुआ करते हुए, जब कोऑपरेटिव प्रेयर्स होती है फिर होता क्या है, जब दुआया मजबे दुआ के लिए तैयार होते हैं, कोऑपरेटिव इकट्ठे मिलकर जब दुआएं की जाती हैं, तो होता क्या है। पहली बात, जब कोऑपरेटिव दुआएं होती हैं, मिलकर दुआएं की जाती हैं, तो पता क्या होता है, ईमानदार स्क्रिप्चर को समझना शुरू कर देते हैं, ईमानदार बाइबल को समझना शुरू कर देते हैं। पत्रस खड़ा हो गया और उसने क्या कहा, जब यहूदा मसीह को बेच रहा था, मसीह की मुखालफत कर रहा था, या मसीह की हमले की थैली में से चोरी कर रहा था, शागिर्दों को कोई कुछ समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। यहूदा जब मर गया तो कलाम खुलना शुरू हो गया। कब खुला, जब दुआ का एक मसबा वाला खाना पर तमीर किया गया और कोऑपरेटिव प्रेयर्स की गई। और सबसे अहम और सबसे बड़ा काम जो कोऑपरेटिव प्रेयर्स करती है, वो स्क्रिप्चर्स को हमारी जिंदगी के अंदर अलाइव कर देती है। हमें फिर समझ आना शुरू हो जाती है कि हो क्या रहा है, माहौल के अंदर क्या हो रहा है, खुदा क्या करना चाहता है, पेंडेमिक क्यों आई है, ये सारा जो मामला है इनके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। और पत्रस ने कहा ये
नविष्टा पूरा होना था। जब कॉपरेटिव प्रेयर होती है, पहला काम होता है बच्चों को क्राम समझाना शुरू हो जाता है, और क्राम जब समझाना शुरू हो जाता है रिवाइवल आता है। आप और मैं बेहतरीन जो काम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने खानदानों के अंदर कॉपरेटिव प्रेयर्स करें। आप मेरा सवाल है, किसी ने जवाब नहीं देना, आप सबसे मेरा सवाल है, आपने कब अपने पूरे खानदान को बिठा कर दुआ की है? जवाब नहीं देना, आपने आपसे आपने आपको जवाब When, where? ऑपरेटिव प्रेयर्स जब होती हैं, स्क्रिप्चर खुलता है, स्क्रिप्चर खुलता है, और स्क्रिप्चर की समझ आना शुरू हो जाती है, और उसने उस नविष्टे को यहूदा की जिंदगी के अंदर देखा कि जो यहूदा ने किया है ये कोई मामूली एक्ट नहीं था, ये कलाम के रोशनी के अंदर था। आमीन। कॉपरेटिव प्रेयर्स करती क्या है? वो पहली बात कि हमें हम पर जाहिर करती है कि नविष्टा पूरा हुआ, कलाम पूरा हुआ। दूसरी बात, जब कॉपरेटिव प्रेयर्स होती है फिर पता क्या होता है, ये दुआ कर रहे थे, पत्रस ने मसीह के इख्तियार से एक आइडिया दिया, ये जो यहूदा मरा है उसकी जगह खाली है, अब हमें एक बंदा चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए, और हमें जो चाहिए वो हम दुआ करेंगे, हम दुआ में रखेंगे और हम कुर्रा डालेंगे, और जिसके नाम पर कुर्रा आएगा वो होगा यहूदा का रिप्लेसमेंट। आप कभी भी फिक्र ना करें प्रमोशन की, खुदा ने आपके लिए रिप्लेसमेंट पहले रखी हुई। अपने सेल्फ प्रमोशन कभी ना करें, अपने अपने आप को कभी ना सामने लाएं। गॉड नोस कि आपको किस जगह पर, किस वक्त और किस जगह पर रखना है। दूसरी बात, जब कॉपरेटिव प्रेयर्स होती है फिर खिदमतों पर मोहरें होती हैं, और यहां पर लिखा है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया, फिर उन्होंने उनके बारे में कुर्रा डाला और कुर्रा मत्तया के नाम का निकला, बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। ओहदा क्या है, ओहदा कौन सा मिलेगा, ये वो इस खिदमत और रसालत, खिदमत और रसालत की जगह ले फिर खिदमतें मिलती हैं, मैनिफेस्टेशन होती है खिदमतों की। इन शॉर्ट 5 मिनट में, दूसरी बात, जब कॉपरेटिव प्रेयर्स होती है फिर क्या होता है, कॉपरेटिव प्रेयर्स जो होती है ये क्या करती है, ये जो ना नजर आने वाला रूहानी माहौल है इसके लिए कशिश रखती है। आमीन। मेरे साथ मिलकर बोले, जब मिलकर दुआ की जाती है, जब मिलकर दुआ की जाती है तो जो ना नजर आने वाला माहौल है, हमारी जो दुआएं होती हैं वो मकनातीस की तरह उन्हें खींचती है। कितने लोगों को मकनातीस चाहिए? फिर अपने खानदान में जाकर दुआ शुरू करने का, खानदान पूरा एनवायरमेंट क्या है, माहौल क्या है, माहौल लाइफ है,
जिसमें हम सांस लेते हैं, माहौल हमारी ब्रीदिंग है, हमारी जिंदगियों की। जब रूह के माहौल के लिए माहौल सेट हो जाता है, फिर पता क्या होता है, जब पेंटिकोस्ट हुआ तो ठट्ठे मारे गए उन्हें बेदर करने के लिए शकीनों को, और कहा गया, पहले कहा ये मैं के नशे में है, ऊपर भी कई कह रहे थे ओ हो क्या रहा है, हो सकता है बहुत से लोग यहां पर हो जो वर्षित करना को सामना करें, क्यों, क्योंकि दूसरा देख रहा है वो क्या कहेगा। जब दुआएं होती हैं कॉर्पोरेटिव, फिर शर्मिंदगियां चली जाती हैं, फिर शर्में खत्म हो जाती हैं, फिर आप आजादी से वर्शिप करते हैं अपने बादशाह के लिए। और पहली बात, जब माहौल आता है, रूह का माहौल आता है, इससे ये काम होता है, इससे ये होता है। इन्होंने ठट्ठा मारा और कहा के सब गलीली मान हैं, और गलील के बारे में लिखा है गलील से अच्छी चीज नहीं निकल सकती। जब यीशु के बारे में कहा गया कि नासरत से है, गलील के अंदर नासरत है, तो नतीजे ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नासरत से अच्छी चीज नहीं निकल सकती। और तू कह रहा है एक बड़ई का बेटा है, वो मसाया है, वो मसीह है। उसने कहा नहीं, नासरत से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। फिर कहते हैं गलील से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। फिर यहां पर कहते हैं ये सारे मर्द क्या है, ये गलीली है। ये कौन है, ये गलीली मर्द है, असल में वो मजाक कर रहे हैं, गलील से अच्छा कुछ नहीं निकल सकता। जब ये ठट्ठा मार रहे हैं, मसीह ने पहले बाप की आठ मैच के अंदर कहा जब उन कुछ आएगा क्या होगा, तुम गवाह ठहरोगे कहां से, यहूदिया से कहां तक, यरूशलेम से दुनिया की इंतहा तक। ये जब रूह का माहौल आता है, लोग आपने शायद गलील देख रहे हो, लेकिन खुदा जमीन की इंतहा देख रहा होता है। वो ठट्ठा मार रहे हैं ये गलीली है, लेकिन उन्होंने कुछ गलील से इनको निकालकर पूरी दुनिया दिखा रहा। और उस रसूल ने बड़े तीन मिश्र सभा लिए और उसने रोम की सरहदों को सिरका के रख दिया। ये वही जगह था जो उस ये बादशाह के स्मारक के अंदर हुआ। खुदा नजर आया, फरिश्तों ने कदूस कहना शुरू कर दिया और आसमान और जमीन खिल गई, शेक हो गई। और पौल जहां पर जाता था ये गलीली, गलीली टाइटल गलीली था, लेकिन रसूल मसीह का और रूह से भरा हुआ। और जिस माहौल के अंदर ले गया, इसने फूंका, इसने वो माहौल फूंका, इसके अंदर स्पिरिट का माहौल था। हो सकता है तेरे अंदर बिटरनेस है, तेरे अंदर तल्खी है, तेरे अंदर गुस्सा है, तेरे अंदर और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी नफरती काम है, लेकिन आज खुदा तुझसे कलाम कर रहा है। अगर तू गलील से निकल कर जमीन की इंतहा तक जाना चाहता है, अपने खानदान के अंदर मसबा बनाना होगा और कॉर्पोरेटिव दुआएं शुरू करनी होगी। आमीन। एक खादिम फिल्म खत्म करेंगे, विलियम केरी, अ ग्रेट मैन विद विजन पावर अंडरस्टैंडिंग। ये इंग्लैंड से आए भारत के अंदर तकरीबन आज से 200 साल पहले, और जब ये इंडिया के अंदर आए, इन शॉर्ट ये एक कलीसिया का पासवान था और एक मीटिंग हो रही थी, बोर्ड मीटिंग हो रही थी, और बोर्ड मीटिंग के अंदर इसने कहा कि हमें मिशनरी भेजने चाहिए इंडिया के अंदर। जो लीडर था उसने कहा नौजवान सुन, सुन मेरी बात को,
जब खुदा किसी को बचाना चाहेगा वो खुद बचाएगा, ना उसे तेरी जरूरत है ना उसे मेरी जरूरत है लोगों को बचाने के लिए। विलियम केरी की सजेशन को रद्द किया गया, इन दलीली मर्दों को रद्द किया गया। विलियम केरी की जो सलाह थी इसे पीठ पीछे फेंक दिया गया, लेकिन विलियम केरी डिटरमिन रहा, उसने अहद किया कि मैं दलील से निकलूंगा और मैं दुनिया की इंतहा तक जाऊंगा। और विलियम केरी के बारे में कहा जाता है कि विलियम केरी खुदा के कलाम का एक हवाला है जो यशाया की किताब के अंदर है, अपनी अपनी खैमागाह को सीखा, अपनी डोरियां खोल, अपने आप को मजबूत था। और विलियम केरी कहता है अरे ये पुराने अहदनामे में मसीह का इरशाद आज़म है, अपनी डोरियों को क्या करो वसी करो। और ये सफर करके मुश्किल सफर करके जब भारत में पहुंचा तो अंग्रेजों ने 3 दिन तक इसे जहाज में से उतरने ना दिया, बैरी जहाज में से रखा और फिर क्या किया उसे किसी और इलाके में भेज दिया। और वहां पर जाकर जब वो उतरा उसने अपना काम शुरू कर दिया। और विलियम केरी जिसको गलीली माना गया वो गलीली तो निकला ही निकला, लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर मसीह की अंजील का खादिम बना। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ कि इस मुश्किल वक्त के अंदर आपके खानदान को घुटनों पर झुकने की जरूरत है। ये मुश्किल वक्त है और इस वक्त के अंदर हमारे खानदानों को मसीह के सामने झुकने की जरूरत है। हो सकता है ऐसे भी बहुत से यहां पर बातन के अंदर टूटे हुए हो, रिच उन्हें रद्द किया गया हो, सुन खुदा की आवाज। विलियम कैरी का रद्द किया जाना उसका गलेव था, और जब उसका इनकाउंटर हुआ यशाया के सदरीफे से, ये एक मोची था, मोची मोची मोची, जब सहीफों से इसका वास्ता पड़ा तो उन सहीफों के अंदर जो रोशनी थी वो विलियम केरी के जरिया से गलील से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। तेरी रिजेक्शन के अंदर रोशनी है अगर तू उसे कलाम की नजर से देखे। आई खड़े हो जाए, दुआ करें।